Hello dear students, welcome to HP Sharma classes. My name is Priyanka and I am your English educator here, and we are going to learn the few things and new concept in English grammar. And जैसा कि आप सब जानते हैं कि previous year questions को भी हम discuss कर रहे हैं, साथ साथ new concepts और जो है हम नई चीज़ें भी सीखने लग रहे हैं. तो आज के lecture को start करने से पहले हम, आपको पता है कि एक अपना फेमस कोट जो है उसी से स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि मैंने राइट किया है यहाँ पर. देखिए, वर्क हार्ड इन साइलेंस, यानी लगातार मेहनत करते रहें चुप्पी से. साइलेंस यानी चुप्पी से लगातार मेहनत करते रहें. लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज, और जो आपकी सक्सेस है वो आपकी आवाज़ बने हमेशा चुप्पी से. क्योंकि क्या होता है ना, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक है. तो हमेशा जो है हमें चुपचाप मेहनत करनी चाहिए. कोई पूछे तो भी कि नहीं भाई, आई एम ऑल्सो इन्जॉइंग, ऐसा नहीं कि मैं बस पढ़ता 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 ही रहता हूँ या पढ़ती रहती हूँ, नहीं, ठीक है. मैं भी इन्जॉय करता हूँ यार, कहाँ इतना पढ़ता पढ़ता हूँ, ठीक है. साइलेंस में, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे पहले ढोल पीट पीट के बजा रहे हो कि मैं इस एग्ज़ाम को दूंगा, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो ना हो उससे पहले ही आप. तो इसलिए हार्डवर्क करें बहुत साइलेंस से, और आपकी जो सक्सेस है वो दूर तक आवाज़ देगी. उसमें अपने आप पता चल जाएगा कि आपने कितना हार्डवर्क किया है, कितना नहीं. चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर. 170 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो 171 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है. देखिए, पिक द करेक्ट ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द सेंटेंस गिवन बिलो. आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो कि करेक्ट है, जो ये स्टेटमेंट दी हुई है सेम सेम मीनिंग है दोनों का. क्या है दिए हुए हमें, बिसाइड्स बींग चीप दीज शूज आर ड्यूरेबल. चीप यानी सस्ता, एंड ड्यूरेबल यानी चलाऊ टिकाऊ, ठीक है, टिकाऊ कोई भी चीज. तो क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिसाइड बींग चीप, चीप होने के साथ साथ ये जो शूज हैं वो सस्ते भी हैं. तो देखते हैं ऑप्शंस को, सेम मीनिंग निकलना चाहिए. दीज शूज आर नाइदर चीप नॉर ड्यूरेबल. नाइदर यानी ना तो चीप हैं, ना तो सस्ते हैं, ना ही चलाऊ हैं, ऐसा तो नहीं बोला, तो ये रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट देखिए, दीज शूज आर आइदर चीप और ड्यूरेबल. या तो ये सस्ते हैं या ये चलाऊ है, नहीं, वो तो दोनों बात बोल रहे हैं. नेक्स्ट देखिए, दीज शूज आर बोथ चीप एंड ड्यूरेबल. यही बात कही गई है कि हाँ, ये शूज जो हैं सस्ते भी हैं और ड्यूरेबल भी हैं. तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी. आई होप आपको समझ आएगा. आप चाहें तो ऑप्शन डी को भी देख सकते हैं, दीज शूज आर मोर चीप देन ड्यूरेबल. ये सस्ते ज़्यादा हैं ड्यूरेबल से, नहीं, ऐसा भी नहीं कहा गया, बोला गया है कि चीप भी हैं और ड्यूरेबल भी हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए, ओके, यहाँ पर जो वर्ड था बिसाइड, उसके लिए बहुत सारे लोगों को मे बी मीनिंग ना पता हो, इसके लिए मैंने डाल दिया था वो. बिसाइड का मतलब होता है आपके बिल्कुल क्लोजर, ठीक है, बिसाइड के बगल में. एक बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, और एक बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, ठीक है. बिसाइड्स, नेक्स्ट टू, बिसाइड, के अलावा, ठीक है. तो देखिए, नेक्स्ट टू क्लोज समथिंग, किसी चीज के बहुत क्लोज, बिसाइड का मतलब होता है. देवर सिटिंग बिसाइड द पूल. ये जो लोग हैं ये कहाँ, पूल के नजदीक ही बैठे हैं, एंड ईटिंग ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो बिसाइड का मीनिंग यहां पर मैं समझाना चाह रही हूँ कि बिसाइड का मतलब होता है किसी भी चीज के बिल्कुल पास. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद रखना है बिसाइड्स, बी ई एस आई डी ई एस, बिसाइड भी होता है, उसका मतलब होता है के अलावा. लास्ट क्वेश्चंस जब भी हमने डिस्कस किए हैं, जिन्होंने भी, जिस भी बच्चे ने लास्ट क्लास वगैरह देखे हैं, तो लास्ट आई थिंक एक दो क्लासेस में मैंने करवाया हुआ है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, थ्री ऑफ वर्ड्स आर रिलेटेड इन सम वे. तीन जो वर्ड्स हैं वो आपस में रिलेट कर रहे हैं. द रिमेनिंग वर्ड, रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ वर्ड है, इज नॉट रिलेटिंग टू द रेस्ट, ठीक है, वो रिलेट नहीं कर रहा. तीन वर्ड सिमिलर हैं और बाकी जो फोर्थ वन है वो अलग है, ठीक है.
यू हैव टू पिक द वर्ड विच डज नॉट फिट इन द रिलेशन. आपको वो वर्ड पिक करना है जो रिलेशन में फिट नहीं हो रहा, एंड मार्क डेट योर आंसर. ठीक है, रीजनिंग में भी पूछने लगे हैं. जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चंस करोगे ना आपका, तो रीजनिंग के अंदर भी यही क्वेश्चंस डालने लगे हैं वो कैप पे बेस. देखें, ऑप्शन ए साइलेंट यानी चुप, टेसिट्रन, रिजर्व्ड या फिर क्लैमरस. क्लैमरस, टेसिट्रन का भी मतलब होता है अपने आप में ही रिजर्व रहने वाला, रिजर्व्ड का भी मतलब होता है जो ज़्यादा बातचीत ना करे. क्लैमरस, क्लैमरस का मतलब होता है नॉइजी, डिस्टर्ब करने वाला, बहुत श्योर हो जहाँ पर. तो ये सारे वर्ड तो सिमिलर हैं, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, सिर्फ इसका मीनिंग अलग है. तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ आया होगा. समझना क्या है, बेसिकली वो कैब है, हमें पता होना चाहिए. तो आई होप अब नहीं भूलोगे. क्लैमरस, क्लैमरस, देखिए ट्रिक भी बनाए तो क्लैमरस, कोलाहल, लड़ाई, झगड़ा, क्लैमरस. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए. ऑल हिज एफर्ट्स टू फाइंड हिज लॉस्ट चाइल्ड वर इन वेन. ऑल हिज एफर्ट्स, उसके जितने भी एफर्ट्स थे अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने के, वो क्या गए, बर्बाद हो गए. ठीक है, बर्बाद हो गए. तो यहाँ देखिए वेन, ये जो वेन है इसका मीनिंग डिफरेंट होता है. वेन यहाँ पर चाहिए जो वेस्ट चले गए, वेन यहाँ पर जो वेस्ट चला गया. इस वेन का मतलब होता है घटना, डिक्रीज होना. ठीक है भाई, नेम ऑफ फेम जो है वेन हो रहे हैं, वेन हो रहे हैं. इस वेन का मतलब होता है आपका वेस्ट. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए राइट किया है वेन पवन चक्की. इस वेन का जो मतलब है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब है पवन चक्की. लेकिन हमें पवन चक्की नहीं चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, वेस्ट. वेस्ट होता है ये वाला हमारा. ठीक है, वेन, वेन होता है हमारा वेस्ट. सॉरी, ये वाली वेन तो आपका ब्लड वेसल्स है. मैं एक सेकेंड गलती से, ठीक हो गया. ये वाला वेन्स तो हमारी जो ये जो वेन्स जा रही है ना, वेन्स नसें जा रही है, तो इनको हम बोलते हैं वेन. ठीक है, और ये वेन होता है आपका वेस्ट, वेस्ट. ठीक है, और वेन का मतलब होता है पवन चक्की, वी ए एन ई. द वे, देयर आर वेन्स इन द फील्ड. फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर, फील्ड के अंदर क्या है, पवन चक्कियां हैं. वेन होता है घटाव. हिज फेम वॉज ऑन द वेन, उसका जो फेम है वो घट रहा है. वेन, जैसा कि अभी मैंने बताया, वी ई आई एन, वेन. वेन यानी ब्लड वेसल, और वी ए आई एन होता है आपका वेस्ट. ध्यान रखना भाई, बहुत कन्फ्यूजिंग से वर्ड हैं, भूल जाते हैं. तो वेन यानी एडजेक्टिव है आपका, इसका मतलब है वेस्ट. स्पेलिंग्स को ध्यान रखना. कई बार क्या होता है कि हम ऑप्शंस डायरेक्ट देख लेते हैं, स्पेलिंग रीड नहीं करते. तो स्पेलिंग को रीड करना, जैसे कि अभी मैंने किया, वी ई आई एन, वी ए आई एन. मैंने स्पेलिंग को ध्यान से देखा नहीं, जस्ट राइट कर दिया. तो हमेशा ध्यान रखना, स्पेलिंग जो है ध्यान से देखना है बहुत. नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए. बींग ए स्पोर्ट्स मैन इज वन एंड बींग कोच इज डैश. बींग ए स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स मैन होना एक बात है और कोच होना एक अलग बात है. तो क्या हो जाएगा, बींग ए स्पोर्ट्स मैन इज वन एंड बींग ए कोच इज, ऑप्शन दिए हैं आपके पास, अनदर, डिफरेंट, डिफरेंट या फिर सेकेंड या फिर सेम. तो क्या हो जाएगा, अनदर. ठीक है, एडिशनल आप बता रहे हो, स्पोर्ट्स मैन इज वन, लेकिन आप कोच भी हो साथ में, तो वो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनली. तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अनदर. नेक्स्ट, द मूवी डैश फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स. द मूवी डैश फॉर मोर देन सिक्स मंथ, ये मूवी जो है वो कब तक चली भाई. मूवी प्लेड, प्लेड तो नहीं भाई, लगातार चलती थोड़ी रहती है. हम कहते हैं मूवी रन भाई, चली. ठीक है, एक दौर है मूवी का. कुछ मूवियाँ ऐसी होती हैं एक दो बार, एक आध महीने चलती है, फ्लॉप हो जाती है, पिट जाती हैं. कुछ मूवीज़ जो हैं वो बार 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 सिनेमा हॉल्स में लगती रहती हैं, लोग देखने जाते रहते हैं. तो क्या हो जाएगा, रैन, रैन. क्योंकि ऑप्शंस थे आपके दो, मूवी प्लेड, प्लेड नहीं होगा, अटेंडेड, मूवी अटेंड भी नहीं की जाती, मूवी वॉज वन फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स, नहीं. राइट ऑप्शन होगा द मूवी रैन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स. यस्टरडे गीता डैश स्कूल अर्ली टू रिसीव हर पेरेंट्स एट द रेलवे स्टेशन. तो ऑप्शंस है वेंट, एंटर्ड, लेफ्ट, डिलेड.
30 सेकेंड का टाइम लीजिए, आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए. यस्टरडे गीता क्या हो जाएगा? वेंट स्कूल, नहीं वेंट के साथ गो की फॉर्म के साथ हमेशा टू आता है तो ये तो आएगा नहीं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यस्टरडे गीता डिलेड स्कूल अर्ली टू रिसीव. नहीं, डिले कैसे करेगी जब वो तो भाई अर्ली अपने पेरेंट्स, ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, यस्टरडे गीता एंटर्ड स्कूल अर्ली. एंटर्ड भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लेफ्ट. यस्टरडे गीता लेफ्ट स्कूल अर्ली. वो स्कूल से जल्दी चली गई थी टू रिसीव हर पेरेंट्स एट द रेलवे स्टेशन, अपने मम्मी पापा को रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस देर आर टू ब्लैंक स्पेसेस. ठीक है, हर सेंटेंस में दो ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं. ब्लो ईच सेंटेंस देर आर फोर पेयर्स ऑफ वर्ड डिनोटेड बाय ए बी एंड सी डी. ठीक है, चार पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको फाइंड आउट करना है वो पेयर जो सेम हो. ठीक है, सेम फाइंड आउट द विच पेयर ऑफ द वर्ड्स कैन बी यूज टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस इन द सेम सीक्वेंस टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए. देखें, ही इज यूजली डैश बट टूडे ही अपियर्स रदर. ठीक है, ही इज यूजली डैश बट टूडे ही अपियर्स रदर. तो ऑप्शंस दिए हैं क्वाइट, ही इज यूजली क्वाइट बट टूडे ही इज काम. क्वाइट और शांत दोनों का सेम ही मतलब है तो ये तो नहीं आएगा. नेक्स्ट देखिए, ही इज यूजली स्ट्रिक्ट बट टूडे ही अपियर्स अनवेल. नहीं, इसका भी कोई लॉजिक मीनिंग नहीं निकल रहा. ही इज यूजली हैप्पी, वो हमेशा खुशी रहता है, बट टूडे ही अपियर्स रैदर ह्यूमरस. ह्यूमरस यानी हास्यपूर्ण. भाई जो हमेशा खुश ही रहता है, जोली रहता है, वो तो मस्ती मजाक करता ही रहेगा ना, तो ये भी गलत हो गया. क्या हो जाएगा? ही इज यूजली काम, क्योंकि बट जो है ना, यहाँ पर बट जो कंजंक्शन का यूज हुआ है डियर, बट जो है आप लोगों का वो किस लिए यूज होता है बच्चों? बट जो है वो यूज होता है, बट कंजंक्शन का यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के लिए. कॉन्ट्राडिक्शन यानी विपरीत बातों के लिए, दो विपरीत बातें कहनी हो तब. ही इज यूजुअली काम, वो यूजुअली क्या रहता है? काम रहता है यानी शांत रहता है. यूजुअली वो शांत रहता है, ठीक है, काम रहता है. बट टुडे ही अपियर्स रैदर डिस्टर्ब, लेकिन आज वो परेशान दिख रहा था, डिस्टर्ब दिख रहा था, चिंतित दिख रहा था. ठीक है, हमेशा तो वो रहता है लेकिन आज वो परेशान दिख रहा था, डिस्टर्ब दिख रहा था, जो है चिंतित दिख रहा था, याद रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए. क्वेश्चन नंबर 8, आई वॉन्ट डैश फ्रेश एप्पल्स. आई वॉन्ट डैश फ्रेश एप्पल्स. ऑप्शन ए बी एनी सी सम डी नाइदर. आई वॉन्ट, देखिए आई वॉन्ट ए फ्रेश एप्पल्स नहीं होगा, एस लगा है यानी एक से ज्यादा है, तो ए नहीं होगा. एनी का मतलब होता है कोई भी, कोई भी. ठीक है, तो कोई भी की भी बात नहीं कर रहा. ठीक है, हमें प्लूरल चाहिए. नाइदर मतलब दोनों में से एक भी नहीं, ये भी नहीं होगा, तो बचा एक ही ऑप्शन. आई वॉन्ट सम एप्पल्स, यहाँ पे देख लीजिए प्लूरल है, प्लूरल है. ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट है, वॉन्ट आपका वर्ब है, फ्रेश आपका क्या हो गया बच्चों? फ्रेश क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन की विशेषता बताते हैं. नाउन यहाँ पर आपका एप्पल्स है. ठीक है, आई वॉन्ट सम फ्रेश एप्पल्स, मुझे कुछ फ्रेश एप्पल्स चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. द सर्वेंट डैश द मास्टर बाय थीव्स टू द हाउस व्हाइल द फैमिली वॉज अवे. द सर्वेंट, देखिए हेल्प्ड द मास्टर, मास्टर की मदद की बाय हेल्पिंग थीव्स. भाई थीव्स की मदद करके कोई मास्टर की मदद कर सकता है? नहीं, ओनर की मदद कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है. और द सर्वेंट कंडेमन, ठीक है, माफ़ कर दिया मास्टर, ये भी नहीं होगा. भाई मास्टर को माफ़ करके आप अलाउ करोगे थीव्स को कि उसको, ये भी कोई सेंस नहीं निकल रही. तो क्या हो जाएगा? द सर्वेंट रॉब द मास्टर. सर्वेंट ने रॉब किया मास्टर को, लूट लिया. मास्टर यानी ओनर, जो उसका मालिक है. By assisting thieves to the house while the family was away. या फिर होगा the servant betrayed the master. उसने मास्टर के साथ धोखा किया by admitting thieves to the house while the family was away. ठीक है, एडमिट दिया उनको, प्रवेश दे दिया thieves को, चोरों को, जब फैमिली दूर थी. तो क्या हो जाएगा राइट आंसर?
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, सर्वेंट ने बिट्रे किया, धोखा दिया ना भाई मालिक को कि जो है, क्योंकि उसने चोरों को घर में घुसा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आपको कुछ और भी लगे कि मैम इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट लूँगी। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है। देखिए, नो सूनर डज द लाइट, अब देखिए बताया था मैंने पहले भी, नो सूनर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार, याद रखना। नो सूनर के साथ डेड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डेड आ गया तो, एंड देन आता है देन, देन। देख लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर कौन से सेंटेंस में। ऑप्शन ए को देखिए, नो सूनर के साथ इसमें देन दिखाई दे रहा है, बट है, देन तो है ही नहीं। इसमें देखिए नो सूनर के साथ डिड है, हाँ डिड है, देन भी है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। बाकी को चेक कर लीजिए, नो सूनर के साथ यहाँ हैड दिया है, वैन दिया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ नो सूनर के साथ वोज दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, वैन दिया है, ये भी नहीं होगा। तो समझ आया बहुत इजीली, नो सूनर के साथ हमेशा डिड देन आता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चूज द डिफरेंट वर्ड्स, एक वर्ड इनमें से डिफरेंट है, बाकी सबका मीनिंग सेम है, चूज करना है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी होता है साहित्यिक संग्रह, यानी बहुत सारे जो है लिटरेचर्स के पार्ट को इकट्ठा किया गया है, साहित्यिक संग्रह होता है। डिक्शनरी का मतलब भी शब्दकोश, बहुत सारे वर्ड्स। थ्रेसर का मतलब भी शब्दकोश ही होता है, जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एनसाइक्लोपीडिया, पूरा विश्व का कोश, ठीक है, पूरे संसार का है। एनसाइक्लोपीडिया पर आप सब कुछ देख लेते हैं ना, कुछ भी डालकर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये तीनों तो कहीं ना कहीं सेम है, शब्दकोश, विश्वकोश, ठीक है, इन दोनों का मीनिंग सेम है, डिक्शनरी, शब्दकोश। और एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है आपका, ये होता है आपका विश्वकोश, पूरे विश्व के बारे में जानकारी होती है इसमें, ठीक है। तो यही अलग था आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। आपको अंडरलाइन जो भी वर्ड हैं उनको इम्प्रूव करना है, अगर कुछ लगता है फ्रेज जो है, अगर कुछ लगता है तो आपको उसको इम्प्रूव करना है। आपका क्वेश्चन है वर्ड और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, ठीक है, पहली क्लास में मैंने बताया था, जिस भी बच्चे ने अब तक देख रहा है वो बता पाएगा। जॉर्ज वॉज लेट टू रेस्ट, ठीक है, तो ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज होता है लेट टू रेस्ट, लेट ए रेस्ट नहीं होता, ए नहीं आएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा लेट, जॉर्ज वॉज लेट टू रेस्ट बिसाइड हिज पेरेंट्स। लेट टू रेस्ट यानी मर गया भाई, एंड टू समथिंग, किसी चीज़ का एंड हो गया, तो जॉर्ज जो है वो अपने माता पिता के साथ में उसको जो है लेटाया गया, दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। इन द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, देखिए, सून द सन हैज सेट, सून यानी जल्दी ही, द सन सून जल्दी ही, द सन आपका सब्जेक्ट हैज सेट, ठीक है, तो फ्यूचर की बात हो रही है भाई, जल्दी ही सन सेट हो जाएगा। फ्यूचर के लिए हम विल का यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, विल, देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, ठीक है, 13th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। शी लिव डैश एट द मिडल ऑफ ए ग्रेट वुड, शी लिव डैश एट द मिडल ऑफ ए ग्रेट वुड, क्या हो जाएगा, क्या बोला है कि वो ग्रेट वुड यानी जंगल को बोला गया है, वुड यहाँ पर जंगल से रिलेटेड है, वो लकड़ी वाला वुड नहीं, जंगल से रिलेटेड है, ठीक है, वो जंगल के बीच में रहती है, ठीक है, रहती थी, लिव्ड, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब भी जो रहने के सेंस में बात करते हैं तो इन द मिडल ऑफ की बात करते हैं, ठीक है, फॉर द मिडल ऑफ, ओवर द मिडल ऑफ, आफ्टर द मिडल ऑफ नहीं होगा, ठीक है, इन प्रपोजिशन को यूज करेंगे एट की जगह, क्योंकि लिव के इन प्रपोजिशन इज यूज्ड विद लिव फॉर द पर्पज ऑफ लोकेशन,
ठीक है, लोकेशन के पर्पज के लिए हमेशा इन का यूज करते हैं. शी लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए ग्रेट वुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. शी गोज शॉपिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी. जब भी मौका मिलता है, एट एवरी अपॉर्चुनिटी का मतलब यही है, जब भी मौका मिला शॉपिंग. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एट एन एवरी अपॉर्चुनिटी. नहीं, ये एक फ्रेज है भाई, एट एवरी अपॉर्चुनिटी होता है, एट एन एवरी अपॉर्चुनिटी नहीं होता है. ठीक है, एट ऑल अपॉर्चुनिटी भी नहीं होता है, ना ही एट ऑल अपॉर्चुनिटीज या एट ईच अपॉर्चुनिटीज, ये सब नहीं होता, एट एवरी अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. इन आवर फ्रेंड सर्कल, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, इट इज़ कस्टमरी फॉर ईच ऑफ द मेम्बर, ये मेम्बर टू बाय देयर ओन टिकट्स. ठीक है, यह है कि सब लोग अपना अपना टिकट्स खुद खरीदेंगे. ठीक है, तो टू बाय देयर ओन टिकट्स, हर कोई अपना अपना टिकट खरीदेगा. ईच की बात हुई है, ठीक है, यहाँ पर ईच की बात हुई है, हर कोई अपना अपना टिकट लेगा. जब भी प्रत्येक सिंगल की ईच की बात हो तो हम पजेसिव केस हिज का यूज करते हैं, ना कि ऑन. ही सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका हिम, और पजेसिव केस यानी मालिकाना अधिकार दिखाना. ठीक है, शी इज माइन, भाई वो मेरी है, किसी और की नहीं है. ठीक है, मालिकाना अधिकार दिखाते हैं ना आप प्यार में, तो ये हो गया आपका पजेसिव केस. पजेसिव केस में होता है हिज, और लड़की का क्या हो जाएगा, हर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू बाय देयर ओन टिकट्स की तरह, टू बाय हिज ओन टिकट्स. ठीक है, टू बाय हिज ओन टिकट्स, देयर की जगह क्या आ जाएगा, हिज का आ जाएगा. ठीक है, मालिकाना अधिकार दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, देयर की जगह हिज का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईच जो है वो हिज को रेफर करेगा, सिंगुलर पजेसिव को रेफर करेगा. ये बाकी आपके रॉन्ग्स हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17. आई ऑलवेज लाइक टू ईट डैश ऑफ फूड. आई ऑलवेज लाइक टू ईट, हमेशा याद रखना, आई ऑलवेज लाइक टू ईट. ऑप्शन दिए आपको, दिस काइंड, दीज काइंड्स, या दोज काइंड, या दिस काइंड. हमेशा यूज करते हैं दीज काइंड्स ऑफ फूड. ठीक है, आई ऑलवेज लाइक, मुझे इस प्रकार के खाने जो हैं वो पसंद हैं. नेक्स्ट देखिए, सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द पैसेज ब्लो आर लेफ्ट ब्लैंक. कुछ पार्ट जो हैं वो ब्लैंक किए गए हैं, आपको बेस्ट ऑप्शन जो है, बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, वो फिल करना है. देखिए, द मिडिल क्लास हैज़ ऑलवेज प्रेफर्ड इंग्लिश. प्रेफर्ड करना यानी प्रायोरिटी देना. ठीक है, तो मिडिल क्लास जो है वो हमेशा प्रायोरिटी देती है एज ए मीडियम ऑफ स्कूलिंग. कौन से मीडियम ऑफ स्कूलिंग, इंग्लिश मीडियम एज ए स्कूलिंग. ठीक है, उसको हमेशा मिडिल क्लास मध्यम वर्ग जो आदमी है, हमेशा हमारे जैसे लोग, वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं इंग्लिश को, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को. टुडे इवन स्मॉल टाउन्स, इवन जबकि जो स्मॉल छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर भी, एंड विलेजर्स आर डैश फॉर स्कूल्स इन द इंग्लिश मीडियम. इवन विलेजर्स जो है, गांव वाले भी चाहते हैं कि जो स्कूल्स हैं छोटे छोटे गांव और टाउन में, वो इंग्लिश मीडियम हो. ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है. 18 का डिमांडिंग, डिमांडिंग किसी चीज़ की डिमांड है भाई. ठीक है, आज डिमांड है. डिजायरिंग है, विश है. क्लैमरस, क्लैमरस होता है हाई डिमांड, और यहाँ पर हाई डिमांड की बात हो रही है. ठीक है, हाई डिमांड. ठीक है, क्लैमरिंग कह रहा है हाई डिमांडिंग. यहाँ पर देखिए, टुडे इवन स्मॉल टाउन एंड विलेजेस आर क्लैमरिंग फॉर स्कूल्स इन इंग्लिश मीडियम. ठीक है, हाई डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए. वेयर एवर लो कॉस्ट प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर अवेलेबल. जबकि लो कॉस्ट जो है स्कूल्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं. गवर्नमेंट एंड नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, और गवर्नमेंट और जो स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं है, वो क्या फेस कर रहे हैं, एक इशू फेस कर रहे हैं. क्या फेस कर रहे हैं, कि भाई वो लुप्त ही होते जा रहे हैं. एग्जोडस, ठीक है, एग्जोडस यानी, एग्जोडस का मतलब है ए डिपार्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, इसी तरह जैसे कोविड में एग्जोडस डिपार्चर हो रहा था ना लोगों का, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे, तो एग्जोडस यानी जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जो नॉन इंग्लिश स्कूल हैं, उन सब का तो क्या हो रहा है, उनका तो बेचारों का जो है निर्गमन ही हो रहा है, वो जो है उनका डिपार्चर हो रहा है. ठीक है,
Political dash aside, corporation, government and aid school have started. देखिए political aside क्या कह रहे हैं, या देखिए the political story, motivation, rhetoric, political जो rhetoric है, rhetoric यानी किसी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस बोलते हैं ना, बढ़ा चढ़ा कर अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को अपनी तरफ. द पॉलिटिकल रिटोरिक असाइड कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैव स्टार्टेड बिल्डिंग, डेवलपिंग, इंट्रोडक्शन या ग्रोइंग. ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर ग्रो कर रहे हैं. देखते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखें कि जो पॉलिटिकल रिटोरिक असाइड है, कॉपरेशन, गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स हैव स्टार्टेड डेवलपिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स विद इन देयर स्कूल्स इन रिस्पॉन्स टू दिस सिचुएशन. तो डेवलपिंग होगा, क्या होगा, देखिए वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई, अपने स्कूल के अंदर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हो गया कोई भी. ठीक है, डेवलप करना किसी चीज़ को या फिर इंट्रोड्यूस करना, भाई वो भी अपने जो स्कूल के करिकुलम के अंदर इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में चीज़ें लेके आ रहे हैं. आई होप आपको समझ आया होगा पैसेज. द मिडिल क्लास हैज, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो मिडिल क्लास है वो हमेशा इंग्लिश मीडियम स्कूल को प्रेफर कर रहा है. इवन आजकल जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, क्लैम्बरिंग का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है स्कूल्स की इंग्लिश मीडियम की. वेयर एवर, जबकि जो लो कॉस्ट प्राइवेट में स्कूल्स हैं वो अवेलेबल हैं, और गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं, जो नॉन गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वो सब बेचारे क्या कर गए हैं, डिपार्चर हो गए हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही, अस्तित्व ही नहीं बचा है. पॉलिटिकल रेटोरिक, इवन जो पॉलिटिकल्स हैं वो स्पीचेस हैं, वो कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, उन्होंने भी क्या किया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है इंग्लिश मीडियम सेक्शंस को अपने स्कूल्स में. ठीक है, इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि फिर नहीं तो कोई भी स्कूल जो है वो चलेगा ही नहीं. ठीक है, रेटोरिक स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू बी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल. मित्रों, आज मैं आपसे मन की बात करना चाहता हूँ. मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही. आगे आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई किस टॉपिक पर चाहते हैं आप, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें कोई छोटा कोई कंफ्यूजन है आपको, उसको हम डिस्कस कर लेंगे. साथ ही जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम डिटेल बैच बनाएं या नहीं बताएं. जितने आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा, फिर एक डिटेल बैच भी लेके आएंगे जिसमें हम कॉन्सेप्चुअली हर एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. तो टिल देन, हेल्दी रहें, मस्त रहें एंड प्रिपेयर करते रहें. थैंक यू.